क्या आपने ऐसे किया कि अगर कैपिटल एम आगे मूव करता है विद एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए तो स्मॉल एम के ऊपर क्या लगेगी? सूडो ली। ठीक है, ठीक किया, अब शुरू करो। बाकी तो नॉर्मल एम जी साइन थीटा तो लगना ही लगना है इसमें। तो इसमें एक फोर्स एम जी इंटू स्मॉल एम जी, ये 60, स्मॉल एम जी कॉस ऑफ 60 और स्मॉल एम जी साइन ऑफ 60, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका एन। टेंशन कितनी है? टी। और क्योंकि इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी है तो नॉर्मल रिएक्शन सॉरी क्योंकि इसमें सूडो फोर्स है तो सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट लगेंगे ना। एक कंपोनेंट लगेगा इस तरफ कितना एम ए कॉस 60 और एक ऊपर की तरफ कितना एम ए साइन 60। ये एक ओवरलैप कर रहे हैं, प्लीज मैंने जान के अलग बनाया है, पर ये एक के ऊपर एक है, नहीं सोचो कि अलग अलग है, एक ही बना लो। इसका मतलब ये स्मॉल एम जो है ना, स्मॉल एम ये नीचे आएगा विद सम एक्सेलरेशन। स्मॉल एम की एक्सेलरेशन नीचे आने की क्या होगी, कौन जनरेट करेगा? दिस प्लस ये दोनों मिलके जनरेट करेंगे। हाँ ऑब्वियसली टेंशन उसको पोस्ट करेगा। ठीक, करो जरा सॉल्व। आंसर आ रहा है इसका कैपिटल ए का, कैपिटल ए का आंसर आना चाहिए बी थ्री। हाँ बी, बी आ रहा है कुछ?
जब आप ये इक्वेशन लगा रहे हो, एक मिनट के लिए ये इक्वेशन लगा रहे हो कि ये नीचे आ रहा है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज मास इनटू, क्या पुट कर रहे हो? इसकी अपनी एक्सलेशन की कैपिटल ए पुट कर रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसकी इक्वेशन तो क्लियर है यार, इसकी इक्वेशन तो मैं बनाऊंगा, एक्सलेशन आगे की तरफ है, वो तो ए की है। मेरा क्वेश्चन है, जब आप इसको एज्यूम कर रहे हो कि नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो एक्सलेशन क्या ले रहे हो? दिस इक्वेशन यही बन रही है ना, दिस प्लस दिस माइनस टी इज मास इनटू क्या? कैपिटल ए? नहीं, स्मॉल ए। कैपिटल ए तो नहीं ना ले रहे, क्योंकि कैपिटल ए की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ है। आप कैपिटल ए नहीं लेना, क्योंकि क्योंकि ये मास एम है और सूडो फोर्स कहाँ लग रही है? इस तरफ लग रही है। लेकिन लेकिन एक और पॉइंट है, ध्यान से इधर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्मॉल एम अल्टीमेटली कनेक्टेड कहाँ से है? इसके साथ। तो अल्टीमेटली एक एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कैपिटल ए इधर होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर से एक्सेलरेशन ए है, तो ऑब्वियसली नीचे आने की एक्सेलरेशन ए होगी, तभी तो आगे चल रहा है ए के साथ। लेकिन जब ये आगे चलता है तो इसके ऊपर क्या लगती है? एक सूडो फोर्स। तो एक एक्सेलरेशन कहां लग रही है? इस तरफ। तो एक एक्सेलरेशन तो इधर इसकी ओरिजिनल लगनी ही चाहिए थी, और एक एक्सेलरेशन इसकी सूडो फोर्स की वजह से, और इनके बीच में ये एंगल कितना है? 60। तो ये भी कितना है? 60। तो इसका इंक्लाइन प्लेन का एक कॉम्पोनेंट ले लो इस तरफ, जो कि कितना आएगा? ए इंटू कॉस ऑफ 60। तो अब ये जो स्मॉल ए आएगा ना, जो आप कह रहे हो स्मॉल ए लेना है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है, स्मॉल ए विल बी इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ए कॉस 60। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2/3। अब आंसर आएगा आपका, नहीं तो स्मॉल ए के चक्कर में पड़े रहोगे, स्मॉल ए निकालेगा कौन? एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा स्मॉल ए और कैपिटल ए का। तो रिलेशन कैसे निकलेगा? वेक्टर से निकलेगा, कि एक तो एक्सेलरेशन इसकी खुद की नीचे जाने की, और एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट इसमें ऐड हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन छोटे मास की 3a/2। अब शुरू कर लो। तो एक इक्वेशन तो यहां बनी गई, एक इक्वेशन, क्योंकि मैं मोशन को इधर की तरफ ले रहा हूं, तो एम ए कॉस ऑफ कितना? 60 प्लस एम जी साइन ऑफ कितना? 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू 3a/2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये किस मास के लिए? स्मॉल एम। कैपिटल एम की क्वेश्चन क्या बनेगी एक बार देखो। कैपिटल एम जब बड़े एम की क्वेश्चन बनाओगे ना, ये मत भूल जाना कि बड़ा एम इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो क्योंकि सूडो फोर्स लग रही है, तो बदले में स्मॉल एम भी इसके ऊपर कोई रिएक्शन लगा रहा होगा एन, पता नहीं कितना। जैसे वो याद है वो बंदा वो खींचता था, एक चल खुद को क्रेट के अंदर खींचता था, तो उसमें हम ये नहीं बोलते थे कि नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल है, तो नॉर्मल रिएक्शन हम इसका अलग लेते थे, क्योंकि सूडो फोर्स लग रही है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएंगे थोड़े से। क्यों कम होंगे? क्योंकि एम ए का एक कॉम्पोनेंट ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा क्या कर रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक, तो इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कैपिटल एम का। तो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये कैपिटल एम है, टेंशन यहां पर टी है, यहां पर एक रिएक्शन लग रहा है नॉर्मल एन, किसके बदले में? इसके बदले में एन, तो ये मैंने एन लगा दिया इधर, नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन और ये एंगल 60, तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स n cos 60 एंड n sin 60। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ब्लॉक अल्टीमेटली कहां मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो मेरे को फोर्सेस कौन सी चाहिए? सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में एक तो t तो एक्ट कर ही रहा है, साथ में क्या एक्ट कर रहा है? n sin 60। n into sin 60 मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने ढूंढ ली। प्रॉब्लम ये है ना कि वो ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा है, इसकी मोशन से ये चल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शंस नॉर्मल रहेंगे नहीं, थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन को आपको चेंज करके एन के साथ काम करना है। ठीक, एक और इक्वेशन बनेगी स्मॉल एम के साथ।
स्मॉल एम की एक और ही क्वेश्चन बनेगी, देखो कौन सी नॉर्मल रिएक्शन वाली सेम। तो एक तो ये वैल्यू तो आई गई इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन रह गई स्मॉल एम की। नॉर्मल रिएक्शन लेट कैसे करोगे यार, एक और एन लोगे तभी लिमिनेट करोगे। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस 60। तो इसके नीचे लिख लो एम ए साइन 60 प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी इन टू कॉस ऑफ 60। इक्वेशन नंबर थ्री, यहां से एन निकाल लेना, इस एन को यहां पुट कर देना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, कैपिटल ए निकालना भी ऑप्शन आ रहा, चेक कर लो आ गया ठीक। तो एक चीज याद रखना, जब सरफेसेस टेढ़ी होती हैं, ऐसी टेढ़ी मतलब जैसे ये है, और सिस्टम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होता है ऐसे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन में हमने कभी ऐसी क्वेश्चन बनाई नहीं कि जिसमें ये वेज मूव करे, वेज तो स्टेशन ही होता है, इसलिए हमने कभी सोचा ही कि नॉर्मल रिएक्शन भी लेना है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें वेज खुद मूव करता है, जिस वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी लगेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? अगर ऐसे समझ में नहीं आता कि कैसे मेरे को कैसे क्लिक करेगा, आप खुद इमेजिन करो ये ब्लॉक एम नहीं है, आप इंक्लाइन प्लेन पे भागते हुए नीचे आ रहे हो, तो इंक्लाइन प्लेन पीछे नहीं जाएगा, आपके नीचे आने से फ्रिक्शन तो है नहीं, इंक्लाइन प्लेन पीछे जाएगा, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट जो उसको आगे धक्का मार रहा है। मतलब क्वेश्चन ये है कि मान लो कौन सी फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन को पीछे की तरफ पुश कर रही है जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सी फोर्स पुश कर रही है, एन साइन 60 ठीक। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें वेज खुद मूव करता है, नहीं तो मूव ही नहीं करता, हमें जरूरत क्या पड़ती है, हम तो अपनी क्वेश्चन यहीं से निकाल लेते हैं, काम खत्म। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, तो लाइन लगी हुई है ऐसे क्वेश्चंस की, करते जाएंगे हर क्लास में ऐसे ही। तो और शीट तैयार है एक और, तो इसी टाइप की है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं तो जिसमें अब हम सर्फेस को फ्लैट ऐसे नहीं लेंगे, टेढ़ी लेंगे और नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर काम करेंगे। ठीक, कंटिन्यू रखते